नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए कि वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है, और इसको बताया गया है सेक्शन 9 ऑफ द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 में, जिसमें कि सेक्शन 9 क्लॉज ए जो है उसमें कहा गया है कि ऐसा कोई भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो कन्फ्यूजन पैदा करे या धोखा दे, डिसीव करे, उसको रजिस्टर नहीं किया जा सकता। 9 बी के अंडर बताया गया है कि ऐसा GI या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो कि कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, यानी कि कानून के विरुद्ध है, वो कानून जो कि एट प्रेजेंट इन्फोर्स हो, यानी कि जो एट प्रेजेंट लागू हो। 9 सी के अंदर बताया गया है कि वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो स्कैंडलस हो या अबसीन हो, यानी कि अश्लील हो या किसी तरह की निंदा या किसी का कोई गलत तरीके से कोई बात कहता हो किसी को, तो वो जो है वो भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा उसका। 9 डी के अंदर कहा गया है कि ऐसा GI जो किसी की जो रिलीजियस फीलिंग है या धार्मिक भावनाएं हैं उनको आहत करता हो, चाहे वो किसी भी धर्म की हो या किसी भी सेक्शन ऑफ द रिलीजन की हो। 9 ई के अंदर कहा गया है कि ऐसा GI जिसको कि कोर्ट के अंदर प्रोटेक्शन ना मिल सके, यानी कि आप कोर्ट में जाओगे, आप कहोगे कि भाई मेरा जो GI है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, इसको कोई वायलेट कर रहा है जिसका यूज़ कर रहा है, और कोर्ट ये कहे कि भाई मैं इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता किसी भी कारण से, तो उसको भी कहा गया है कि इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। 9 एफ के अंडर कहा गया है कि ऐसा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो जेनरिक हो, यानी कि हर कोई उसे यूज़ कर सकता है, हर कोई उसको जानता है, तो उसको भी फिर रजिस्टर नहीं किया जाएगा। इसमें वो भी आ जाते हैं जो कि हो सकता है कभी GI रहे हों, बट उनको जो जनरली अभी यूज़ किया जा रहा है और उनको GI प्रोटेक्शन अब नहीं रही है, तो उनको भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। सिंपली कहने का मतलब यह है कि वो वर्ड जो आम भाषा में हो, और GI का तो ये काम है कि जहाँ भी ये एफिक्स किया जाएगा, जिस गुड्स पर लगाया जाएगा, तो उसके आइडेंटिफिकेशन हो कि भाई ये वहाँ से आई है। पर अगर ऐसी आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है, देखने वाले को ये लग रहा है कि भाई ये तो जनरल चीज़ है, ये तो आम है, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, मैं इसको पहचान भी नहीं सकता कि ये वहाँ से आई है, तो कह रहे हैं कि उसको भी रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा। लास्ट जो है 9 जी, जिसमें कि कहा गया है कि भाई अगर कोई GI है और वो सिर्फ उस पर्टिकुलर टेरिटरी या उस रीजन में ही है जहाँ कोई चीज़ वो उत्पन्न होती है और उस पर आप GI फिक्स कर रहे हो, उसके लिए तो ठीक है, पर जब वो अपनी टेरिटरी या अपना रीजन जो है वो छोड़ के जाता है, तो वो फाल्सली रिप्रेजेंट करता है, यानी कि उस लोकेलिटी, टेरिटरी या रीजन से बाहर जब गुड़ जाती है, तो ये एहसास कराता है कि भाई ये कहीं और का है। अगर इस तरह से कोई फाल्सली रिप्रेजेंट करता है, तो उसको भी GI का रजिस्ट्रेशन देने से इनकार किया जा सकता है। तो ये है दोस्तों वो GI जिनको कि रजिस्ट्रेशन देने से इनकार किया जा सकता है। धन्यवाद।